तो पहले तो मैं राहुल सर को बोलूँगा कि राहुल सर आप ज़्यादा चिंता ना करिएगा, चैनल आएगा। लेकिन ये होता है कि जब आपका अपना चैनल ना चला जाता तो आपके ना नींद मतलब उड़ जाती है, ये समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि ऐसा लगता है किसी ने आपसे आपकी जान छीन ली हो, क्योंकि वो चैनल नहीं रह जाता जहाँ पर आप अपना दिन देते हैं, रात देते हैं, अपना वक्त देते हैं, जो आप शायद अपना घर में पर्सनल में नहीं दे पाते, क्योंकि आपको लगता है आपके बच्चे सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है, और वो है भी, क्योंकि हमारे लिए जो भी जान पहचान हमारी बन पाई है वो बच्चों से बने। तो राहुल सर के लिए कि भाई एक तो राहुल सर का चैनल है टॉप तक ये वाला, और राहुल सर को मैंने वैसे पर्सनली नहीं जानता बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे से कुछ बात हुई नहीं अभी तक आज तक उनसे, और कैसा रूबरू, क्योंकि उनका एक फील्ड बिल्कुल अलग है, मेरा फील्ड बिल्कुल एक अलग है। लेकिन राहुल सर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि चिंता मत करिए, यूट्यूब का एक खेल हो गया आजकल, मतलब आप सोचेगा वो चीज़ जो अपनी सिक्योरिटी दिखाता है इतना कि आप खुद नहीं लॉग इन कर पाते अगर आपको OTP खो जाए, और उसके बाद कोई अचानक से आता है मिनटों सेकेंडों में आपके चैनल को हैक करके दिखा देता है, और उसके बाद यूट्यूब कुछ भी नहीं करता, उल्टा वो देखता है कि आप अब कब तक ये देखेंगे ये आपका चैनल है कि नहीं, आप कंप्लेंट करेंगे आप उस पर करेंगे। लेकिन मैं राहुल सर आपसे एक बात बोलूँ कि आप प्लीज़ पूरी टॉप तक की टीम को कि आप ना बैठिएगा मत, क्योंकि YouTube कुछ अपने आप से नहीं करने आएगा, तो 10-15 दिन लेगा क्या, इससे रीच कम हो जाती है, एक तो बाद में बड़ी दिक्कतें आती हैं चैनल के साथ, आप ये देखेंगे। और यहाँ आपको करना कुछ नहीं है, मतलब जब हमारा चैनल हैक हुआ था तो मतलब मुझे लगता है हमारा चैनल सबसे जल्दी चैनल रिकवर होने वाले चैनलों में से था। मेरे याद है गौरव सर के साथ बात हुई जब उत्कर्ष का चैनल हुआ था, तो वो भी लगभग शायद 7 या 8 दिन लिए थे उसने, लेकिन हमारा चैनल हम 3 दिन में लेके आए थे वापसी, और 3 दिन में यकीन करिएगा हमने दिन रात भर जो काम किया, हमने यूट्यूब को परेशान किया। और यूट्यूब को परेशान कर सकते हैं आप दो ही तरीके से, या तो आप उसे ईमेल करिएगा या फ़ोन पर बात करिएगा।